देख रहे हैं रफ्तार न्यूज। खाना नहीं था जितना एकदम ये बचेंगे नहीं सब, और जिस तरह घटना है ये सीधे उनको तो उसके बाद दिन मुख्यमंत्री के यहाँ हूँ संजय को कहेंगे गंभीर मामला है, इसको बहुत गंभीरता देखिए नहीं तो विधानसभा में मामला चलेगा। और सर जानते हैं एक चीज़ और है, बहुत ध्यान से सुन लीजिए एक मिनट, इंस्पेक्टर अगर सराय में ही सच्चो अगर उसको आप लाइन हाजिर हटवाएंगे नहीं तो जांच करा देंगे। वीरेंद्र एक बात बता दी, क्राइम ब्रांच को जो जांच मॉनिटरिंग करेगा एसपी, यस वो तो प्यादा माफिया मारा जाता है, उसके लिए लोग दरवाजा उसके दरवाजे पर सैकड़ों की संख्या में लोग गए। यहाँ जनप्रतिनिधि है, यहाँ अभी हाल में शिवपाल यादव आए थे, उन्होंने भी नहीं चिंता किया, और यादव समाज की मसीहा बनते हैं, यह बड़ी दुर्भाग्य बात है। ऐसे घटनाओं में बिना भेदभाव के आना चाहिए, और गरीब परिवार का लड़का था इसमें आते तो उनको और साहस बढ़ाते, उनकी मदद करते, यही हमारी हार्दिक इच्छा थी। इसे उत्तर में सरकार दावा करती है बार बार कि गुंडे माफिया राज्य से हमारे ख़त्म हो गए उत्तर प्रदेश, लेकिन एक 103 धारा की मुकदमा दर्ज होती है, आज भी अपराधी कह लीजिए या जिसके ऊपर मुकदमा लिखा है गिरफ्तार नहीं हुआ, पुलिस अभी तक पूछताछ नहीं कर पाई है, क्या कहेंगे इस संबंध में? इस संबंध में बहुत हमारे संज्ञान में बात आ जाई है, अब बहुत गंभीरता से इसको लिया जाएगा, और उसमें कोई बक्सा नहीं जाएगा, बचेगा नहीं, सीधे मुख्यमंत्री से मैं इस प्रकरण को कहूँगा, ये इतना जान लीजिए। जिस तरह वीडियो वायरल हो रही, वीडियो देखा जा रहा है, क्या लग रहा है आपको, हत्या है आत्महत्या है? नहीं आत्महत्या नहीं, वीडियो से लग रहा है साजिश के तहत उसकी हत्या की गई। पुलिस अभी तक एकदम शांत बैठी है, इस संबंध में क्या कहेंगे जैसे DIG हुए, कप्तान हुए, तमाम लोग जो बात करेंगे अभी DIG से भी, और इसके बाद सीधे आपके सामने प्रमुख सचिव से बात किया हूँ, व्हाट्सएप भी किया हूँ, इसको इस प्रकरण को गंभीरता से संज्ञान में लिया है, और इस प्रकरण को गंभीरता से रखेंगे मुख्यमंत्री के यहाँ। परिवार के लिए न्याय के लिए तरह तरह की बात, मतलब आके लोग परिवार को ढाढ़स दे रहे हैं, लेकिन इन लोगों का आरोप है कि तमाम लोग आते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। स्वाभाविक है कि जब तक किसी को न्याय नहीं मिलेगा तो कहवे करेगा, जब तक न्याय नहीं मिलता है तो स्वाभाविक है वो कहेगा परिवार। ठीक है।